जय हिंद एवरीवन एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग जय हिंद मांडवी गुड मॉर्निंग चलिए ज्वाइन करने देते हैं और कैसा रहा एग्जाम जिन लोगों ने एग्जाम दिया था और योर एग्जाम हम दो दिन बाद मिल रहे हैं चलिए जब तक बाकी लोग आते हैं उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आ, लोग ज्वाइन हो जाएंगे अपने आप तो आ, रोज की तरह फिर एक बार हम करेंगे अपने करंट अफेयर्स जितने भी अभी हमारी कुछ एक दो दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम परस्पेक्टिव से आज हम वो डिस्कस करेंगे तो लास्ट लेक्चर जहां पे हमने छोड़ा था उसके भाई से स्टार्ट करेंगे तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था एंड क्वेश्चन वॉज व्ट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पैरिस ओलंपिक्स जो अभी दो हजार चौबीस में ओलंपिक्स होने वाला है उसका जो हमारा ऑफिशियल स्लोगन है वो क्या है तो वो आपको मुझे बताना था तो इंक्लूसिव एंड इंप्रेसिव गेम्स वाइड ओपन ग्लोबल पार्टनरशिप या ब्रदरली एंड ब्यूटीफुल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज गेम्स एंड वाइड ओपन तो अभी जो हमारा पैरिस ओलंपिक्स होने वाला है उनका पर्टिकुलर हमारा स्लोगन ऑफिशियल स्लोगन है इस बार के लिए दैट इज गेम्स वाइड ओपन ठीक है तो चलिए चलते हैं आगे आज हम पहले अपने करंट अपडेट से लेते हैं अभी ज्वाइन क्यों नहीं हुए लोग सारे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का दिन पांच सितंबर स्कूल टाइम से हम लोग सब मनाते आए हैं दैट इज हमारा क्या टीचर्स डे स्कूल टाइम में आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा कॉलेजेस में होंगे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो बेसिकली टूडे इज नेशनल टीचर्स डे और जिसमें हम किन को ट्रिब्यूट करते हैं किनके बर्थ uh, बर्थडे पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं दैट इज डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ही वॉज ऑल्सो द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया हमने ये पहले डिस्कस भी किया था एक बार 1962 से 1967 तक के प्रेजिडेंट रहे थे इंडिया के अब नीचे इमेज में देखिएगा बुक्स आर द मीन्स बाय विच बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स तो हमारा जो बेसिकली सेप्टेंबर फाइव हुआ क्या था कि एक बार इन्हीं के स्टूडेंट्स इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे टू हाउजेंड अराउंड 1962 में तो इन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे कि आप एक टीचर्स को ट्रिब्यूट या टीचर्स को रिस्पेक्ट की तरह इस पर्टिकुलर दिन को मनाए न? उसी के दिन के बाद बिकॉज ही वॉज अ फिलोसफर ही वॉज अ टीचर स्कॉलर एंड इवन सेकेंड प्रेजिडेंट रह चुके हैं हमारे भारत के ये उस दिन के बाद से ही हम फिफ्थ सेप्टंबर को जो कि इनका बर्थडे है उस दिन को हम टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं न? सिक्सटी टू 1962 है लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज द नेशनल टीचर्स डे लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे जो है बेसिक लेटेस्ट बिंग ऑब्जर्व ऑन कब अक्टूबर पांच को ये किसका इनिशिएटिव है यूनेस्को यूनिसेफ एंड आई का सो जो हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे है दैट इज अक्टूबर फाइव ओके चलिए चलते हैं आगे आज लोग गायब क्यों है एग्जाम हो गया इसलिए गायब है क्या आज सारे नो कोई कमेंट सेक्शन में कोई बात नहीं है कुछ है ही नहीं आई थिंक ऑन ने मांडवी ऑनलीस ओके ओके नाउ हैप्पी थैंक यू सो मच एक्चुअली अच्छा चैट अपडेट नहीं हो रही थी दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच जिन्होंने भी टीचर्स डे विश किया है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू एवरी वन वे टीचर्स डे थैंक यू सो मच सो रहे हैं नहीं नहीं एक्चुअली मेरे पास चैट अपडेट नहीं हुई थी दैट वॉज द रीजन नाउ इट ऑज डन नाव है पहले मुझे सिर्फ एक मैसेज हो रहा था चलो चलिए uh, चलते हम अपनी न्यूज और टीचर्स डे का ध्यान रखिएगा नेशनल टीचर्स डे है वो हम सबको पता है फिफ्थ सेप्टेंबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बट वेन इट कम्स टू द वर्ल्ड टीचर्स डे इट इज ऑन द फिफ्थ अक्टूबर जो कि कंबाइंड डे को है किसका यूनेस्को यूनिसेफ और आई का ठीक है जी चलिए सो नाउ हमारे पीएम मोदी जी चले, so, चले। फिर एक बार हमारा इंडोनेशिया दातर इंडोनेशिया में जकार्ता में एंड द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर इज कि एशियान की जो समिट है जो एशियान की समिट हो रही है जकार्ता में जो इस पर चेयर करें दैट इज जकार्ता ओनली दैट इज एन इंडोनेशिया ठीक है उस पर्टिकुलर समिट को हमारे मोदी जी अटेंड करेंगे जाके सो दिस इज बेसिकली अ 20th एशियन समिट एंड द 18th ईस्ट एशिया समिट अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली एशियन है क्या तो ये जो हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनका बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें चाहे वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से इन सब पर्टिकुलर चीजों पर वो बात करते हैं एंड कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाते हैं डन बिकॉज आपको भी पता है मैं बार बार हर रोज जब भी हमको एक अपडेट डिस्कस करते हैं मैं आपको कहती हूँ कि जो हमारा इंडिया है हर जगह अपना एक बायोलेटरल रिलेशन कभी मिडल ईस्ट में या फिर मिडल जो इनकम कंट्रीज है हर किसी के साथ अपने जो रिलेशन्स है वो बेहतर कर रहा है अब वो अलग अलग परस्पेक्टिव पे जा रहा है तो दिस इज द फर्स्ट थिंग तो वैसे ही उसी पर्टिकुलर चीज के लिए एशिया थैंक यू सो मच जो भी लोग विश कर रहे हैं हापी टीचर्स डे वेरी वेरी थैंक यून तो एंड गॉड ब्लेस यू विद जिस जिस चीज के लिए आप लोग एस्पायर कर रहे हैं आई जस्ट होप आप सबको वो पर्टिकुलर एक सक्सेस मिले आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे एंड जल्दी से जल्दी आप सब लोगों को अपना अपना जो भी आप लोग सोचते हैं अपने लाइफ अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आई रियली विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट लक फॉर दैट ओके तो चलते हैं सो so बेसिकली तो दो दिन के लिए हमारे मोदी जी जा रहे हैं एंड जब भी ऐसा कोई दिशा होता है तो उसमें पॉइंट क्या है हमारा जो बेसिकली व्यूज एक्सचेंज करने के लिए या इसको एक अपॉर्चुनिटी तरह देखा जाता है इसमें डायलॉग पार्टनर्स भी हैं कितने परमानेंट मेंबर्स हैं कितने नहीं हैं ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो बेसिकली मोदी जी कहां जा रहे हैं हमारे इंडोनेशिया एंड पर्टिकुलरली कहां पे हो रहा है दैट इज एन जकार्ता ठीक है जी चलिए So basically, हम सबको पता है कि इंडिया की जो मेन हॉकी टीम है उन्होंने नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप होने वाला है ओमान में ही उसमें अपनी जगह बना ली है बिकॉज अभी जो क्वालिफायर्स चल रहे थे उसमें इंडिया मेन हॉकी टीम पर्टिकुलरली जीत चुकी है so ये सब आप लोगों को पता भी होगा लेकिन हमारा फर्ज है आप लोगों को करंट अपडेट्स की पूरी की पूरा कंटेंट देना कि कुछ भी भी मिस ना हो, so, जी चुकी है and next World Cup के लिए मोदी ने भी अपने ट्वीट में यही लिखा था कि अब ओमान में जो नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हॉकी टीम ने अपनी जगह बना ली उनको स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया था ठीक है सो दिस इज मोर न्यूज तो फाइव एस एशिया कप था so, कहां पे हो रहा था दिट वॉज द रीजन सलाह वो भी ओमान में ही है वहां पे ये पर्टिकुलर का चल रहा था ठीक है जी एक और जीत मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कोई इंडिया ओरिजिन का पर्सन कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक ऑफिस लेगा या कोई बड़ी जीत हासिल करेंगे तो आप लोगों के एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपने इस बार का एग्जाम देखा होगा आपने क्वेश्चंस एनालाइज किए होंगे तो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन नेम वाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वाइज क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था अगर आपको वो पर्टिकुलर रीजन पता था कि ये चीज या एक्सरसाइज के रिलेटेड भी थी तो आप लोग आंसर कर सकते थे सो बेसिकली करंट अफेयर वॉज इन जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो उसमें बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं देन तो उसमें जो हमारे शन अभी जो आपकी जो ये न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द शन मुगर तमाम हमने डिस्कस भी किया था पहले कि ये सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तीन कैंडिडेट्स में थे अब फाइनली ये जीत चुके हैं एंड ये इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत ही गर्व वाली बात है देन सो इज अ सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं पहले वहां के 2001 में इन्होंने अपना पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट किया था पब्लिक सेक्टर और बाकी मिनिस्टर पोजिशन में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं सो फाइनली ही वन द इलेक्शन आउ इज द प्रेजिडेंट ऑफ द सिंगापुर देन और ये ध्यान रखिएगा ये पहले भारतीय नहीं है ये तीसरे ऐसे भारतीय इंडियन ओरिजिन के हैं जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं इससे पहले भी सेलपन रामानाथन श्रिंगारा वितुल देवानायर ये दो लोग जो इंडियन ओरिजिन से थे और सिंगापुर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जो तीसरे अब बने हैं हमारे दैट इज द शन मगुरथनम जी ठीक है सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ये पर्टिकुलर नाम और कंट्री की ये कहां के हमारे आ, जो हेड बने हैं कहां के हमारे प्रेसिडेंट हैं डन चलिए तो अब आप सबको पता है कि 9 सितंबर को फाइनल जो हमारा जी ट्वेंटी समिट है ये न्यू दिल्ली में होने वाला है ना तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी जितनी भी अब जो फाइनल मीटिंग्स है उनका दौर चल रहा है तो अब जो फोर्थ या फाइनल शेरपा मीटिंग जो जी ट्वेंटी के लिए जो बेसिकली ये डिस्कस करेगी कि जो हमारा आने वाला जी ट्वेंटी समिट है उसमें कौन से हमारे ऐसे एजेंडाज डिस्कस होंगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों पे हमें पर्टिकुलरली एग्रीमेंट्स बनाने हैं या किस पे डिस्कशन होनी है तो वो होता है ना जो फाइनल एजेंडा ऑफ द डे जब हम नॉर्मली भी लोकसभा या कोई भी मीटिंग देखते हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मीटिंग में हमको बात क्या करनी है तो ये जो फाइनल मीटिंग जो कहां पे हो रही है मेवात में जो कि हरियाणा में है वहां पे यही डिस्कस हो रहा है कि जो हमारा फाइनल एजेंडा होगा जी ट्वेंटी समिट के लिए ये क्या होने वाला है और जो हमारी जी ट्वेंटी है कहां हो रही है दैट इज नाइन सितंबर से स्टार्ट होके टेन सितंबर तक है एंड दैट विल बी इन न्यू डेली ठीक है सो ये आपको ध्यान रखना है तो इसमें जो हमारी शेरपा मीटिंग फोर यहां पे लिखा भी है आपको स्लाइड में दैट वी विल बी एडॉप्टेड एट द कंक्लूजन ऑफ द न्यू डेली समिट स्टेटिंग लीडर्स कमिटमेंट टू वर्ड्स द प्रायोरिटीज डिस्कस क्या हमको डिस्कस करना है बिकॉज ऑफकोर्स इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं लेकिन अब उसमें से हमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकाल के अब वो चीजें ही डिस्कस करनी है कि हां अब ये ये जो हर एक मीटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं कि मीटिंग्स होंगी उसी पे ही उनको डिस्कस करना है सो दिस वाज द थिंग ये कहां पे कंडक्ट हुई हमारी मेवात हरियाणा में देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू चलिए देन एक और एजुकेशन टू एंटरप्रनशिप हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इन्होंने और मतलब तीन संस्थाओं ने मिलकर एक पर्टिकुलरली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मेटा जो हमारी पहले फेसबुक थी और अब उसका नाम चेंज हो गया मेटा हुआ इन्होंने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके पीछे का जो रीजन है दैट इज एजुकेशन टू एंटरप्रेनोरशिप ठीक है तो इसमें क्या होगा बेसिकली तीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एआईसीटीई ठीक है और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उससे एनआईएस बड जो नाइस बड जिसको हम बोलते हैं उसका पट इन दो और मेटा इन तीनों ने आपस में जो एग्रीमेंट साइन किया है दैट इज रिलेटेड टू कि जो मेरे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्मॉल लेवल पे बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो हमारा यूथ है उसको बेसिकली पूरे के पूरे वर्क फोर्स से कंडक्ट रिलेट uh, करना तो ये पर्टिकुलरली एक कैसे हम एजुकेशन उससे ही या देखो ए जो है हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का उसको प्रीमियर ऑफिस है ना इस बड़ा हमारा स्किल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है इन सब ने मिलकर जो इसका वो रहा दैट इज द एजुकेशन टू एंटरप्रिनशिप और बात क्या है कि सारी की सारी बात चल रही है डिजिटल स्किलिंग यू नो मेटा इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल ठीक है डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है उसी के बारे में है ना? So क्या है क्या कि कनेक्ट स्टूडेंट्स यूथ वर्क फोर्स एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स टू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इसको एक नाम भी दिया ट्रांसफॉर्म अमृत पीढ़ी इवन आपको पता होगा कि मोदी जी भी ये बहुत बार अलग अलग जगहों पे यूज करते थे जब अभी नॉर्मल मेला हुआ था रोजगार मेला उसमें भी उन्होंने ऐसे यूज किया था तो अमृत पीढ़ी इंटू न्यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ठीक है कि जो हमारी पीढ़ी है बेसिकली जो बेसिकली हमारा यूथ है या नॉर्मल जो स्टार्टअप लेवल पे हम जो यूथ काम कर रहे हैं उन सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना ताकि जितना भी उनको हेल्प चाहिए नॉलेज चाहिए वो ये तीन लोग मिलके कर सके डन जीके जनरल नॉलेज ओके रिलेटेड जो अभी क्वेश्चन अभी जो पेपर कंडक्ट हुआ उसके ऊपर आप बात कर रहे हो तो ये एक और हमारा जो फर्दर स्टेप है यू को सपोर्ट करने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो आपको भी पता है कि इस टाइप पे हर एक बच्चा या जो आप लोग भी होंगे आप हम इंस्पायर करते हैं अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अपने आप या डिजिटल लिटरेसी बोल लीजिए या ये डिजिटल जितना ये जो वर्ड है ना डिजिटल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड स्टेटमेंट है तो इस पर्टिकुलर चीज में जितना वो ग्राफ कर सके तो हमारी मिनिस्ट्रीज भी इसमें काम कर रही है ठीक है तो दिस इज द एक और एक स्टेप इसमें जिसमें मेटा के साथ यहां पे मिलके एक लेटर साइन किया गया और जिसका रीजन क्या था कि कैसे हम यूथ को वर्क फोर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को आपस में कनेक्ट करें ताकि जो फ्यूचर में आने वाले हमारे जो चैलेंजेस होंगे उनको हम अच्छे से एड्रेस करें ठीक है चले सो so, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार पहले भी दैट इज द जी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर हमारा जो डब्ल्यू एच ओ का पहला एक समिट हुआ ठीक है तो ट्रेडिशनल मेडिसन का हमने बात भी की थी कि uh, हर एक देश का अपना कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है आपको आज भी कभी चोट लगती है तो बेसिकली हम वैद्य के पास या घर की मम्मी आपको कोई जड़ी बूटी वो देती है तो उसी उसी बात को ऐसी सारी चीजें हर एक जैसे हम इंडिया में फॉलो करते वैद होते हैं तो हर एक कंट्री के अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती हैं रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम उन्हीं को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उन्हीं को एक पर्टिकुलरली हर एक उसको कोलाबरेट uh, करने के लिए डब्ल्यू एच ओ के लिए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबमिट हुआ था ठीक है कमेंट करके बताइए मुझे कि बेसिकली कहां पे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी तो आपको मुझे बताना है कि डब्ल्यू एच ओ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो पूरा मीटिंग हुआ था ये कौन सी जगह पे हुई थी तो अब उसी के ऊपर एक जो वर्ड आया फाइनली दैट इज द गुजरात डिक्लेरेशन बेसिकली ये क्या है इसका रिजल्ट रिपोर्ट आप कह सकते हैं ठीक है बेसिकली दिस इज अ रिजल्ट रिपोर्ट ठीक है तो फाइनल जैसे हर एक उसकी रिपोर्ट आती है मीटिंग के बाद है तो गुजरात डिक्लेरेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द डब्ल्यू एच ओ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारा अभी सबमिट हुआ तो कहां हुआ था दैट इज बेसिकली इन द जामनगर गुजरात ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया एंड दिस इज द फर्स्ट ऐसी कोई पहली फर्स्ट एवर सबमिट ठीक है पहली बार ऐसा को, को कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके ऐसा कोई सबमिट हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि डब्ल्यू एच ओ वॉज ऑल्सो पार्ट जी ट्वेंटी कंट्रीज एंड ऑल वॉज द पार्ट बट डब्ल्यू एच ओ ने भी इसको सपोर्ट किया बिकॉज ये सारा का सारा कब आया जब हमारा कोविड आया ठीक है उस टाइम पे जब हमारे डॉक्टर्स या हमारे हॉस्पिटल्स भी हमें पूरे ना पड़े तो काफी लोग इन घरेलू इलाजों से भी ठीक हुए हैं तो इसीलिए उस चीज के इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक दूसरे की कंट्रीज के आइडियाज को अडेप्ट करते हुए इस पर्टिकुलर समिट uh, को या इस पर्टिकुलर मीटिंग को हेल्ड किया गया था और इसका जो फाइनल रिपोर्ट आया था दैट इज द गुजरात डिक्लेरेशन जो हाल ही में लॉन्च हुआ है डन चलिए सो बेसिकली हमने uh, पहले डिस्कस भी किया था डब्ल्यू के उसमें कि इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है हेल्थ uh, के ऊपर ये सारी की सारी बात हुई थी तो जो मेन की पॉइंट है दैट वॉज द वेल बीइंग ऑफ द पीपल एंड द पैनेट रिसर्च एंड एविडेंस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द हेल्थ सिस्टम डाटा रूटीन इंफॉर्मेशन तो इन सब चीजों पर ह्यूमन राइट्स पे इक्विटी पे एथिक्स बेसिक सी जो चीजें हैं इन सब पे हमारा जो डिस्कशन बेसिकली हुआ है ठीक है सो नेक्स्ट वन मोर हमारे देखो अभी शायद जितनी भी हमारे जी ट्वेंटी के सारी मीटिंग्स है अब फाइनल राउंड में है बिकॉज अब नौ सितंबर को हमारा फाइनल जी ट्वेंटी समिट होने वाला है तो उसमें से एक और चीज जो बेसिकली एक मीटिंग कंडक्ट की गई दैट वॉज द जी ट्वेंटी वर्कशॉप ऑन द क्लाइमेट रेजिलेंट एंड द एग्रीकल्चर बिगिन ठीक है तो हमें भी पता है कि जो हमारा आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है आप सबने भी मॉनसून देखा है इन सब चीजों में क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज्यादा अफेक्ट है ठीक है ह्यूमन जो हेल्थ है ये तो अफेक्ट है ही है बिल्कुल है ये हम सबके इसको जो कंसर्न है वो हम सबको देख रहे हैं इवन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी मच अफेक्टेड अगर आप अभी क्रॉप्स का सीजन देखो कि अगर आप थोड़ा सा देखो अगर आप पहले देखो कि क्रॉप्स कैसे चलती थी ठीक है क्योंकि अभी भी आपको पता है जिसे जिसका जब हमें बारिश नहीं चाहिए लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इन सब की वजह से उस टाइम पे बारिश होती है जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है तो ऐसे और भी ज्यादा रीजन है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जिससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट हुआ है तो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो समिट चल रही है हमारी चल रही है हैदराबाद में ठीक है और उसकी बात क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंफ्लुएंसड बाय द क्लाइमेट चेंज ठीक है रिस्क है बिल्कुल है इमीजिएट बेनिफिट रिड्यूस दर्सिस अगर ऐसी कोई समिट चल रही है तो हमारा जो मेन केंद्र होगा केंद्र बिंदु होगा जो मेन ध्यान होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज को कम कर पाए जो हमारा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं उनको हम कैसे कम कर पाए इवन आप सबको पता है इंडिया में ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं इस चीज के लिए जैसे कि नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज हो गया नेशनल एक्शन प्लान हो गया क्लाइमेट चेंज पे सो कोर्स वी आर जस्ट होपिंग कि और भी ज्यादा ऐसे कुछ प्लान्स हैं ताकि जो हमारा इंडिया बेस है दैट इज द एग्रीकल्चर पहले भी हम लोग एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा उस उसमें थे आज भी वी आर वी वॉन्ट टू तो बी थी सर्विस सेक्टर तो सेक्टर हर किसी में हम डेवलप कर रहे हैं बट इज एग्रीकल्चर इज द मेन पॉइंट तो हो सकता है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि हाँ कुछ ऐसे और पॉइंट हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में जो इफेक्ट हुआ है बैड उसमें उस चीज से हम एटलीस्ट कुछ लिमिट तक तो रिकवर कर जाए देन सो दिस ये मीटिंग का और ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है दैट इज इन द हैदराबाद जितनी भी देखो अब अब ऑफकोर्स अब फाइनल राउंड्स में चल रही हैं सारी मीटिंग्स तो कहीं पे आप लोग भी थोड़ा सा एक पॉइंट चार्ट बना के भी हम तो डिस्कस करेंगे ही आप लोग भी अपने सुविधा के लिए इसका रिविजन परस्पेक्टिव से आप लोग इसको अपने पास जरूर बना के रखें डन तो एक चीज और हमारा जो एक रैमन मैक्स से अवार्ड है बेसिकली ये अभी ट्वेंटी में सी दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज फॉर किसमें एशिया का आप इसको द बेस्ट या ग्रेटेस्ट ऑनर अवार्ड आप इसको बोल सकते हैं ना? इसको नोबल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है तो इस बार इंडिया से डॉक्टर रविकानंद ठीक है जो कि असम से ताल्लुक रखते हैं एंड ही इज अ ऑनकोलॉजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं जो बेसिकली कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं ठीक है जो हमारे कैंसर के डॉक्टर तो उसी पर्टिकुलर फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में आपको भी पता है कि अभी तक उतने डेवलपमेंट नहीं हुई हैं तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में इन्होंने जो कैंसर पीड़ित जो लोग थे उनकी फैमिलीज को हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया एंड उसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से इनको इस बार जो कंडक्ट हुआ सिक्सटी फाइव सिक्सटी फिफ्थ एनिवर्सिटी जी की ठीक है एंड इज द तो बेसिकली फिलिपाइन के ये प्रेसिडेंट रहे थे उन्हीं को वो पब्लिक अफेयर्स में या सेक्टर में उन्होंने काम किया था उनके नाम पे इस अवार्ड को रखा गया है तो इस बार जो इंडिया से जिनको अवार्ड मिला दैट इज द डॉक्टर अभी कनन लेकिन और चार लोग टोटल चार लोगों को सिलेक्ट किया गया था एशिया से एंड बाकी कौन है हमारे वो भी हम देख लेते हैं दैट इज द जो कि बांग्लादेश से हैं यूजीना लामोस दैट और रवि कनन आर फ्रॉम इंडिया और जो रवि कनन जी को ये पर्टिकुलर प्राइज मिला है दैट इज फॉर द जिन्होंने कैंसर पीड़ित लोगों की हेल्प की है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए देन सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स तो चलिए चलते हैं हम अपने रिव्यू क्वेश्चन पे एंड अब जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि एक रिविजन हो जाए बिकॉज अभी भी हमने मैं आपको हर बार रोज एक चीज बोलती हूं कि पॉइंटर्स जितना आप रिवाइज करेंगे चीजों को उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज द वेन वॉज जी ट्वेंटी एस्टैब्लिश्ड आपको मुझे बताना है कि जी ट्वेंटी बेसिकली कब एस्टैब्लिश हुई थी 1995, 1999, 1985 नाइन फाइव या टू थाउजेंड सो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आपको मुझे बताना है कि जी ट्वेंटी कब स्टैब्लिश हुई थी यस द आंसर फॉर द सेम इज बी ठीक है तो कभी हुआ था, हमने भी था, 1999 में ठीक है चलिए जी ट्वेंटी समिट गोइंग टू हेल्ड इन आपको मुझे बताना है कि जी ट्वेंटी कहां हो रही है इंटालिया या इंडिया ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया सो ऑफकोर्स इसका आपको पता होगा दैट इज इन इंडिया में न्यू दिल्ली में हम इस पर्टिकुलर समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड कब हो रही है नाइन टू टेन सेन थीम ऑफ द जी ट्वेंटी अभी भी हमने हाल ही में देखा कि थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे सो so, मुझे बताइए कि वट इज द थीम इवन इस बार का जो क्वेश्चन एनडीए या सी डी एस में क्वेश्चन था रिलेटेड टू थीम्स चार साल की थीम्स पूछी गई है योगा इंटरनेशनल डे के ऊपर डन तो ध्यान रखिएगा थीम्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक साल की नहीं उन्होंने चार साल की सिक्स सेवेंथ एथ नाइन्थ ऐसे कुछ एडिशन की थीम्स पूछी है आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर की जी ट्वेंटी समिट की हमारी जो थीम है वो क्या है सो यस द आंसर फॉर द सेम इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर ठीक है तो बेसिकली कुटुंबकम ये आप सबको पता है दिस इज द ये हमने बहुत बार अब तो ये पर्टिकुलर मुझे लगता है ये डायग्राम ना आपको ये पर्टिकुलर पिक्चर आप लोगों को याद ही होगी होगी ठीक है कि G20 भारत 2023 इंडिया जी कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बिकॉज हमने इतनी बार इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखा है यस दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपको ये दिख रहा है कि जी जी ट्वेंटी 2023 में इंडिया ने ऑर्गेनाइज की क्या इसकी थीम थी विच ऑफ द मेंबर ऑफ द जी ट्वेंटी आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जी ट्वेंटी की मेंबर नहीं है इंडोनेशिया सिंगापुर मेक्सिको या टर्की जल्दी से आंसर दीजिए इनमें से कौन सी हमारी डिस्कस yes, we'll uh, पहले आप अभी रिव्यू क्वेश्चन पे चलते हैं तो बताइए इनमें से कौन सी जो हमारी कंट्री है बेसिकली जी ट्वेंटी की पार्ट नहीं है तो द पॉइंट अगर आपको कंट्रीज के नाम याद होंगे तो ऑफकोर्स आपको याद होगा बट बाकी आप पहली मिनिट भी कर सकते हैं ओके द आंसर फॉर द सेम इज द सिंगापुर सिंगापुर इज नॉट बाकी इंडोनेशिया मैक्सिको इंटर्की इज बेसिकली पार्ट ऑफ आर जी ट्वेंटी मेंबरशिप ठीक है वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ जी ट्वेंटी हेल्ड पहली बार जी ट्वेंटी की समिट कहां कंडक्ट की गई थी यूएसए ब्रिटेन कैनेडा या फ्रांस जल्दी से आंसर बताइए पहली बार फर्स्ट समिट ऑफ द जी ट्वेंटी इज हेल्ड इन यूएसए ब्रिटेन कैनेडा या फ्रांस जल्दी आंसर बोलिए तो आंसर इज यूएसए पहली बार जो हमारी पर्टिकुलर फर्स्ट समिट हुई थी जी ट्वेंटी की दैट इज इन द यूएसए ठीक है और कब हुई थी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी कमेंट कीजिए पहली समिट कब हुई थी हेल्ड? ओके टू रेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ जी ट्वेंटी हैव बिन हेल्ड अभी तक जी ट्वेंटी की कितनी समिट्स ऑलरेडी हेल्ड हो चुकी है पर्टिकुलरली आपको ये बताना है कि अभी जो भी हमारे इंडिया में जो कंडक्ट हो रही है तो उससे पहले कितनी समिट्स uh, ऑलरेडी हम कंडक्ट हो चुके हैं जी ट्वेंटी की पांच नौ ग्यारह या सत्रह यस yes, जो आंसर दिया है कि पहली बार कब हुई दैट इज टू थाउजेंड एट इज करेक्ट ठीक है तो बताइए इससे पहले कितनी हमारी जी ट्वेंटी समिट सेल्ड हो चुकी है ओके आंसर फॉर द बिल्कुल करेक्ट सही आंसर दिया आप लोगों ने तो इससे पहले हमारी सत्रह जो कि लास्ट थी हमारी कहां हुई है दैट इज द न्यूजा बाली वो कहां है इंडोनेशिया में और अभी एटींथ जो है कहां होने वाली है हमारी न्यू दिल्ली में ठीक है चलिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रामन मार्ग से आपको मुझे बताना है कि 2023 में रामन मार्ग अवार्ड जो है किस पर्टिकुलर इंडियन को मिला रवि डॉक्टर मीरा कुमार तो इसमें से पटे हमें अभी अभी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो बताइए वट विल बी द आंसर फॉर द सेम क्या होगा इसका आंसर तो बिल्कुल सही जिन लोगों ने आंसर दिया दैट इज हमारा सी डॉक्टर रबिकाना नार और हमने क्या डिस्कस किया था किस चीज के लिए इनको बेसिकली मिला है ही इज अ ऑनकोलॉजिस्ट कहां से ये बिलोंग करते हैं हमारे असम से ठीक है तो इन्होंने वहां पे कैंसर पेशेंट्स को जो हेल्प किया उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से इनको ये अवॉर्ड दिया गया सब आंसर बिल्कुल सही है देन नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ककरा पर गुजरात काकड़ापर में एक गुजरात में न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपको मुझे बतानी है कि उस पर्टिकुलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 500 मेगावाट मेगावॉट 800 या 600 सो यू हैव टू टेल मी की व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट इन द गुजरात बताइए इसका आंसर व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर फॉर द सेम इज बी जो हमारा काकरा पर गुजरात में जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज एन द सेवन हंड्रेड और इस टाइम पे वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है ऑलरेडी ठीक है जी चलिए आगे विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च मोबाइल ऐप टू एनेबल एमएसएमई टू एक्सेस इंस्टेंट लोन्स यूज इन जीएसटी इन्वाइसेज कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने हाल ही में के के लिए के लिए एक इंस्टेंट लॉन्च की है तो आपको मुझे इस कांसर बताना है एसबीआई बैंक बैंक ऑफ़ पीएनबी या इंडियन कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एक पर्टिकुलर ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की है so इंस्टेंटली वो लोन्स ले सकते हैं अगर किसी को आपका नाम भी पता है तो वो भी कमेंट कर दीजिए ओके सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द पी एन बी पी एन बी ने लॉन्च की थी हमारी जो ऐप uh, है सॉरी हाँ ऐप है जिसका नाम है पी एन बी जीएसटी सहाय ऐप ठीक है टू फैसिलिटेट एमएसएमई इन एक्सेसिंग इंस्टेंट लोन्स एंड यूजिंग जीएसटी इन वॉइस ध्यान रखिएगा दिस इज द आंसर पी एन बी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलिए च एयरलाइन हैज दीसीआई क्लियर टू मर्ज विद टाटा सिया एयरलाइंस इसमें से आप मुझे बताइए टाटा सिया एयरलाइंस के साथ कौन सी एयरलाइन मर्ज होने वाली है एयर एशिया इंडिया एयर इंडिया गो फर्स्ट या इंडिगो यह काफी न्यूज में रहा भी था तो हमको मुझे बताना है कि उस एयरलाइन का नाम जो टाटा सिया एयरलाइंस के साथ हमारी मर्ज होने वाली है जल्दी से कमेंट कीजिए विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे तो करंट अपडेट्स के साथ ठीक है हम पहले भी जितना हमारा बाकी चीजें है वो भी हम रिलेट करेंगे ताकि आप लोगों का रिविजन चलता रहे ठीक है सो so, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज द एयर इंडिया ठीक है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर द मर्जर ऑफ टाटा सिया एयरलाइंस विद एयर इंडिया ठीक है प्री बेसिकली मर्जर आपको भी पता है कि सभी में ये 2024 से हमारा उस पर आएगा तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा हमारा एयर एंड बिल्कुल सही जिन्होंने आंसर दिया यस एयर एंड इज द करेक्ट आंसर हु इज लीडिंग द कमेटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन अभी हमने हाल में देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अगर आपको वैसे इसका चाहिए भी अगर आपको डिटेल्स जानने तो ऑलरेडी YouTube पे एक वीडियो है एस एस बी क्रैक एग्जाम चैनल पर ही तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर तो आपको मुझे बताना है कि जो एक कमेटी बनी है बेसिकली इसको हेड कौन करेंगे रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी अमित शाह या अनुराग ठाकुर हैव टू टेल मी आंसर ऐसा नहीं है देखो स्कीम्स जो लॉन्च होती हैं बेसिकली हर एक बैंक अपने हिसाब से करता है ठीक है कभी हमने देखा जैसे प्राइवेट बैंक वो इंटरेस्टेड तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो एच डी एफ सी एंड ऑल भी सब बहुत काम करते हैं सो तो, कोई भी लॉन्च कर सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वो पर्टिकुलर टारगेट कर सकते बिकॉज आप ध्यान रखिएगा चाहे प्राइवेट बैंक है चाहे पब्लिक बैंक है इनके पास ऑलरेडी इनको जब ये रजिस्टर करते हैं और जब इनको बैंक्स का कैटेगरी मिलता है उसमें इनको पर्टिकुलरली चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है या फिर ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इनको काम करना पड़ता है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं अगर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी सॉरी नेशनल लेवल पे अगर कोई भी ऐसी स्कीम लॉन्च कर सकता है तो कोई कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपको मुझे बताना वन नेशन वन इलेक्शन का कौन पर्टिकुलरली हेड है रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी अमित शाह या अनुराग ठाकुर तो आंसर है इसके रामनाथ कोविंद जी इस पर्टिकुलर कमेटी को जो हमारे हेड करेंगे दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है दैट इज रामनाथ कोविंद जो पहले हमारे वो रह चुके हैं ठीक है थीके? तो आपको ये ध्यान रखना है कंफ्यूज मत कर दीजिएगा इन चीजों को चलिए हु रोट द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम आपको मुझे बताना है ये ए पी वाजपेयी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो अगर हम कुछ कुछ क्वेश्चन लेते रहे तो ऑफकोर्स यू नेवर नो बिकॉज ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कभी न्यूज में या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्पीच में इनका अगर कोई परसेप्ट यूज किया जाए तो उसके बाद से हम वो बुक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आपको मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है अखिलेश तिलोतिया अमिताभ घोष अब्दुल कलाम आजाद ए बी वाज यस आंसर बिल्कुल सही आया अब्दुल कलाम आजाद यस ही इज पर्टिकुलर ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इंडिया विंस फ्रीडम ठीक है यस करेक्ट आंसर जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस तो ये तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए रघुराम राजन जॉन मैन केन्स एडम स्मिथ या नन ऑफ द दब आपको मुझे बताना है कि बुक वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये पर्टिकुलरली बुक किन्होंने लिखी है इनमें से सिर्फ बुक्स के क्वेश्चंस ना आप सारे नहीं टैप कर सकते इट्स ऑल डिपेंड बिकॉज इतनी सारी बुक्स आप कितने याद रख लो पर हाँ ये जरूर है क्योंकि हमने एक चीज नोटिस की है जब भी क्वेश्चन आता है बुक्स के ऊपर कि कुछ ना कुछ लेट करंट अपडेट से जब आता है या कुछ बेसिक बुक का कोई ईयर uh, कंप्लीट होता है या फिर किसी गवर्नमेंट स्पीच में या प्राइम मिनिस्टर जी ने किसी बुक से कुछ यूज किया हो ठीक है वो बुक कहीं ना कहीं हमें हाल ही में करंट अफेयर में मिलती है तो ऑफकोर्स जब करंट अफेयर में कोई ऐसी बुक आएगी तो ऑफकोर्स हम लोग उसको कवर करेंगे बाकी अगर आप सोचोगे कि नहीं हम पूरे बुक्स एंड ऑथर और वैसे भी ऐसा नहीं है दस पंद्रह क्वेश्चन आ रहे हैं यू विल गेट हार्डली एक क्वेश्चन कभी मिलता है आपको कभी कभी नहीं भी आता है ठीक है तो यस दिस इज ऑल हो सकता है आपको वो पर्टिकुलर आप बुक पता हो ना पता हो सो तो आप कंप्लीट हंड्रेड परसेंट कवरेज तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं कर सकते हैं ठीक है सो द द आंसर फॉर सेम इज एडम स्मिथ हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम जो है इकोनॉमिक्स में हम इनका ही पढ़ते हैं दैट इज द एडम स्मिथ ठीक है तो ध्यान रखिएगा मोहिंद जुदारो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट लोकेटेड इन आपको मुझे बताना है ये जो पर्टिकुलर हेरिटेज साइट है जिसको हरपन सिविलाइजेशन के साथ पढ़ते भी हैं ये कौन सी कंट्री का पार्ट है इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान या कजाकिस्तान ठीक है तो मोन जो कहां पर है ये आप लोग मुझे बताइए कि वेयर इज दिस पर्टिकुलर लोकेटेड यस द आंसर फॉर द सेम इज पाकिस्तान बिल्कुल सही है हरप्पा सिविलाइजेशन हिस्ट्री का आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ठीक है सो यस दिस इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान मनसबल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी आपको मुझे बताना है ये पर्टिकुलर लेक इस बार भी एक लेक के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखता था ठीक है तो ये आपको मुझे बताना है पर्टिकुलरली ये जो मनसब मनसब लेक है ये कहां है उत्तराखंड सिक्किम जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश इसका आप मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कहां है ये पर्टिकुलर लेक ठीक है तो इसका जो आंसर है दैट इज इन द सी जम्मू कश्मीर में ये पर्टिकुलर लेक है हमारा ठीक है तो सी दिस इज द पॉइंट यहां कहीं ये ये लेक है हमारा इफ यू सी दिस पर्टिकुलर मैप ठीक है सो दिस वॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमें सी डी सॉरी एनडीए मैं आई थिंक देखने को मिला इस बार लेक के ऊपर पर्सपेक्टिव बिल्कुल तो सही आंसर जिन्होंने सी आंसर दिया दिस इज करेक्ट चलिए इंडियन सिटी नॉमिनेटेड एज फर्स्ट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल भारत की ऐसी कौन सी सिटी है जो पहली बार पहली एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर की कैपिटल बनी है हैदराबाद वाराणसी जयपुर या काशी ठीक है तो आपको मुझे आंसर बता देंगे भारत की इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो पहली हमारी कैपिटल बनी है टूरिज्म एंड कल्चर की एससीओ के अंदर हैदराबाद वाराणसी जयपुर या काशी विल दिस क्वेश्चन कमेंट कीजिए ओके करेक्ट जिन्होंने आंसर दिया यस इज द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर सिटी ऑफ इंडिया इज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एस सी टूरिज्म कल्चरल कैपिटल ठीक है फासो इन द न्यूज फॉर अ मिलिट्री कूप इज इन विच रीजन आपको मुझे बताना भी बात हमने पहले भी आपने न्यूज डिस्कस किया होगा आपने पढ़ा भी होगा तो आपको मुझे बताना है कि बेसिकली ये जो बुरकिन फासो है ये कौन से रीजन से ताल्लुक रखता है साउथ एशिया साउथ अमेरिका अफ्रीका या ओशेनिया इस बार हमें क्वेश्चंस देखने को मिले इन्होंने क्या क्वेश्चंस में क्या टाइप मिला इस बार कि कुछ पर्टिकुलर प्लेट्यूज के नाम दिए थे और उसके साथ कॉन्टिनेंट अटैच किए थे ठीक है सो बेसिकली आपको ये चीजें पता होना चाहिए तो आपको मुझे बताना है कि जो ये बुर्किना फासो है कौन सी साउथ एशिया साउथ अमेरिका अफ्रीका या ओशियनिया कहां से ये बिलोंग करता है ओके फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अफ्रीका ठीक है सो so, अगर आप मैप में देखेंगे दिस इज द पर्टिकुलर रीजन देखिए मेंशन भी है दिस इज द बुर्किना फासो ठीक है और ये कहां से ताल्लुक रखता है हमारा अफ्रीका से ठीक है चलिए विच स्टेट लॉन्च सीएम सोलर मिशन टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस पावर कौन से स्टेट ने सोलर मिशन ये पर्टिकुलरली लॉन्च किया था असम मेघालय नागालैंड या त्रिपुरा जल्दी से आंसर कीजिए वट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन असम मेघालय नागालैंड या त्रिपुरा चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेघालय मेघालय इज द पर्टिकुलर स्टेट जिसने ये सीएम सोलर मिशन लॉन्च किया था किस चीज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को हानस और पावर को कम करने के लिए ठीक है सो so, आप ये ध्यान रखिएगा चलिए बताइए डेज के ऊपर एक और क्वेश्चन आपके लिए कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त सितंबर 5, अगस्त 13 या अक्टूबर आपको मुझे बताना है कि हम वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं या कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑगस्ट ट्वेल्व सेप्टेम्बर फाइव ऑगस्ट थर्टीन या अक्टूबर ट्वेंटी सो आंसर है इसका बारह अगस्त बारह अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे को मनाते हैं और अगर आप लोगों को याद है जब हमने मंथली कंपाइलेशन भी किया था उसमें ये पास के बाद लाइन डे हो गया था बायोडीजल डे हो गया था ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ठीक है तो एलिफेंट डे का ध्यान रखिएगा इट इज बारह अगस्त चलिए लास्ट जी ट्वेंटी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप टूरिज्म मिनिस्ट्रल मीटिंग हेल्ड इन आपको मुझे ये बताना है कि अभी जो जी ट्वेंटी की हाल ही में सारी मीटिंग चल रही है तो बेसिकली जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये कहां हुई तमिलनाडु गोवा असम या वेस्ट बंगाल बताइए इसका आंसर कि फाइनल मीटिंग ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की कहा हेल्ड की गई तमिलनाडु गोवा असम या वेस्ट बंगाल जल्दी जल्दी आंसर कीजिए लास्ट जी ट्वेंटी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन तमिलनाडु गोवा असम या वेस्ट बंगाल आंसर फॉर द सेम इज द गोवा बिल्कुल सही आंसर दिया तो ये गोवा में इसकी जो फाइनल मीटिंग हेल्ड हुई है दैट इज एन गोवा ध्यान रखिएगा अब जो सारा आपका ध्यान होगा अब जो 9 या 10 सितंबर है 9 सितंबर को हमारी क्या होने वाली है फाइनल जी ट्वेंटी सबमिट ठीक है इतने दिनों से एक महीने से आप लोग जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की ही मीटिंग्स पढ़ रहे हैं और हमें भी सुन रहे हैं उसका जो फाइनल कंक्लूजन डे इज ऑन द हमारा नौ कहां पे न्यू दिल्ली में होने वाली है सो क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसको हम कल कर डिस्कस करेंगे कि इज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भारत की डायमंड सिटी किसको बोला जाता है ठीक है कोलार सूरत मदुरई या वाराणसी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो दैट्स ऑल फॉर द डे दूसरी बात अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कोई भी कोर्सेज एनरोल कीजिए उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलेगा एंड उसी के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगी प्लस आप एस एस बी क्रैक एग्जाम डॉट कॉम उस वेबसाइट पर हमारी जा सकते हैं वहां पर भी आपको इनकी पी अवेलेबल है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आपको इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड सारे जो कोर्सेज हैं हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए अवेलेबल हैं आप अपने घर बैठे बिल्कुल हाई क्वालिटी एंड से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कभी भी आप किसी कोर्स में एनरोल करें अपने फ्रेंड्स को बताएं साथ में आप एक कूपन कोड जो कि आप लगा सकते हैं दैट इज वॉरियर टेन जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा टेन का डिस्काउंट उस पर्टिकुलर कोड में सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच जय हिंद एंड आई होप जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल डन थैंक यू सो मच जय हिंद